सभी किसान बंधुओं को मेरा नमस्कार। मेरा नाम अमित शर्मा है और हम लोग एडवांटा बीज कंपनी की तरफ से हैं, जो कि यूपीएल समूह की अनुसंधानित बीज आधारित कंपनी है, जो कि चारे में विशेष रूप से काम करती है। और विश्व में अगर हम बात करते हैं तो ये भारत की पहली ऐसी कंपनी है जो चारे पे अनुसंधान करती है। सो आज जो हम आपके बारे में यहाँ बताने वाले हैं, हम आपको डिफरेंट डिफरेंट चारे के बारे में बताने वाले हैं। तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं जो चरी के रूप में चारा इस्तेमाल होता है। तो जो सबसे पहले आप यहाँ पे देख रहे हैं, ये चारे का नाम है जंबो सुपर। जंबो सुपर को आप जो देख रहे हैं, इसकी जो है 2 से 3 कटाई आप लोग अपने खेत में ले सकते हैं। इसका पहला कटाई लगभग 50 दिन की अवस्था में कर लेना चाहिए। उसके बाद फिर दूसरी कटाई जो आती है उसको आप 25 से 30 दिन बाद कर सकते हैं। उसके बाद आप फिर दूसरा कटाई ले सकते हैं। इसकी जो खूबी है, जो विशेषता है, वो ये है कि इसका पत्ता बहुत ही मुलायम होता है, गर्मी बहुत अच्छा सहन कर लेती है। और तीसरी जो मुख्य चीज़ वो ये है कि ये अगर देखे तो 14 फीट हाइट तक बढ़ता है और इसमें 120 दिन की अवस्था पे भी भुट्टा यानी ऊपर जो है वो फूल जो नहीं निकलता है, ये इसकी विशेषता है। अगर दूसरे चारे की आप बात करेंगे तो यहाँ पे आप देखिए, ये जंबो डायमंड है। जंबो डायमंड मल्टी कट चारे में आता है, जिसके की 2 से 3 कटाइयाँ होती हैं। और इसकी भी विशेषता ये है कि इसमें भी 100 दिन की अवस्था तक आपका जो है फूल और ऊपर जो भुट्टा आता है वो नहीं आता है। तो यहाँ पे हमने आपसे बात किया जंबो सुपर और जंबो डायमंड के बारे में, जो कि मल्टी कट में आता है। अभी हम आपसे बात करेंगे सिंगल कट चरी वाला। तो यहाँ पे जो आप देख रहे हैं ये है मेगा स्वीट। इसकी जो विशेषता है कि ये बहुत ही मीठा चारा होता है। अगर आप अपने पशु के सामने इस चारे को डालते हैं तो इसमें से कोई भी चारा पशु छोड़ता नहीं है अपने सामने और एक एक जो दाना होता है उसको खा लेता है। विशेषता है कि इसके अंदर जो मिठास है, जिसको ब्रिक्स परसेंटेज बोलते हैं, वो 17 से 18% होती है, जो कि गन्ने में 23% होती है, उससे सिर्फ 5% कम होती है, जिसके कारण पशु इसे बहुत पसंद करता है। अगर आप ये देखें, अभी ये 16 अगस्त का है, यानी कि ये चारा और ये करीब 5-6 फीट पे हाइट पे पहुंच गया है। बहुत ही मुलायम और सॉफ्ट चारा है। तो ये तो सब चारे हुए जो कि हमारे ज्वार सेगमेंट में आते हैं। अब हम बात करते हैं आपसे न्यूट्रीफीड की। ये जो चारा है ये न्यूट्रीफीड चारा है, और न्यूट्रीफीड जो चारा है इसको हम बाजरा कैटेगरी में बोलते हैं, जिसकी हम फरवरी और मार्च में बिजाई करते हैं और इसको अक्टूबर से नवंबर तक आप इस्तेमाल कर सकते हैं। विशेषता यह है कि इसकी आप 4 से 5 कटाइयाँ ले सकते हैं। पहली कटाई आप इसकी 30 से 35 दिन पे शुरू कर दीजिए। आप उसके बाद में फिर 15 से 20 दिन बाद आप कटाई ले सकते हैं। तो ये जो चारा है इसकी विशेषता ये है, ये जो सॉफ्ट है, अगर इसका हम ये डाटा देखते हैं तो आनंद एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी ने रिसर्च किया और उसने ये बताया कि अगर पशुपालक इस चारे को खिलाते हैं तो उनका जो चारे में उनको जो वो पोषण के लिए दूसरी चीज़ें खल चोकर चूनी खिलाता है उसको 40% कम कर लेता है। इस चारे की मात्रा अगर खिलाते हैं तो उनके दूध के अंदर फैट की मात्रा यानी वसा की प्रतिशतता बढ़ जाती है, जिससे फार्मर की आमदनी भी बढ़ती है। तो आप अगर देखें तो ये न्यूट्रीफीड है। और अगर इसमें बीज दर की बात करेंगे तो आप हमारा एडवांटा का जो भी स्कैन नंबर है जिससे आप मांगा सकते हैं, वहाँ से आपको जानकारी भी मिलेगी और आप ऑनलाइन इसको मंगा भी सकते हैं। यस, ऑनलाइन आप यहाँ पे आइए, मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि यहाँ पे आप इसको स्कैन करेंगे तो ऑनलाइन, अगर आप एंड्रॉयड ऐप का यूज़ करते हैं तो यहाँ से स्कैन कीजिए, आपको आपके द्वार आपके घर पे आपका चारा उपलब्ध होता है। अगर आप एप्पल आईफोन यूज़ करते हैं तो आप इसको स्कैन करिए, इसके जरिए भी आप अपने घर पे इस चारे को मंगा सकते हैं। कि मक्के के फसल के बीजों के बारे में हम आपको जानकारी देंगे। तो मैं जो आपके सामने अभी यहाँ पे दिखा रहा हूँ, ये हमारा PAC 741 है, एडवांटा बीज कंपनी का PAC 741 मक्के का बीज है, जिसकी जो गिल्ली है, जो बलरी है, वो बहुत पतली होती है। यानी कि अगर आप बात करें इसमें, अगर एक भुट्टे में हम वजन लें और गिल्ली की मात्रा देखें तो दाना 90% तक होता है और जो जो इसकी बलरी है वो सिर्फ 10% तक होती है, जो कि इसकी प्रमुख विशेषता है। इसका रंग है वो नारंगी होता है, जिसके कारण बाजार भाव भी बहुत अच्छा मिलता है। और ये उकटा रोग के प्रति सहनशील होती है। तो ये जो किसान बहुत अच्छे तरीके से खेती करते हैं उनके लिए बहुत ही उपयोगी है और ये ज़्यादा पैदावार देने वाली मक्का है। इसके अलावा अगर आप देखना चाहते हैं तो PAC 751 ये भी आपके खेतों में लगा सकते हैं आप, जिसमें भी पतली गिलरी होती है और ये बाजार भाव में भी अच्छा बिकता है। देन सेकंड, अगर जिन किसानों का खेत, अगर हम ये कहें कि वो सामान्य करना चाहते हैं, बहुत उपजाऊ ज़मीन नहीं है, हल्की है, उनके लिए PAC 745 गोल्ड है, वो अपने खेतों में इसका इस्तेमाल करें। ये सूखा भी सहन करती है और बरसात भी सहन कर लेती है। और इसके बाद में जो PAC 741 जो जीवन में लाए राजयोग, जिसके बारे में अभी हमने आपको बताया है। तो दोस्तों, ये वीडियो मैंने बनाई थी पन्नगर किसान मेले में। तो ये हमारे जो है उत्तराखंड के जो है उधमसिंह नगर में हर साल लगता है, तो साल में 2 बार लगता है, अक्टूबर और मार्च के महीने में,
तो ये वीडियो बनाई थी मैंने अक्टूबर माह में, लेकिन थोड़ा लेट डाल रहा हूँ। तो ये वीडियो मैंने किसी कंपनी के प्रचार के लिए नहीं बनाई है, और जैसे कि जो है अपने जो किसान भाई लोग हैं तो जो बीज लेना चाहते हैं ऑनलाइन, तो उनकी कुछ हेल्प हो सके तो इसलिए मैंने बना दिया है ये वीडियो। तो आप जो है ऑनलाइन ले सकते हो, अमेजोन पे मिल जाता है। एडवांटा बीज कंपनी तो एक अच्छी कंपनी है, अच्छा बीज बनाती है। मैंने इसको जो है जब मेले पे गया था तो मैंने देखा कि अच्छा प्रोडक्ट है, तो मैंने आपको जो है शेयर कर दिया। तो आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। पसंद आई तो लाइक करो, शेयर करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।